लामी छाने के काले जादू से विरोधी हो गए पस्त। मैच से पहले ही विरोधियों ने मानी हार। बल्लेबाज हुए फेल तो गेंदबाजों ने किया प्रहार। संदीप ने फिरकी का बिछाया ऐसा जाल, विपक्षी खिलाड़ी हो गए बेहाल। पहले बल्ले से दिखाया हुनर, फिर गेंद से ढाया कहर। अब नेपाल अपने सपने से महज दो कदम दूर। नेपाल की इस युवा खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे उम्दा फिरकी गेंदबाज है। उसके हाथों में ऐसा जादू है कि जिससे निकलने वाली गेंदें विरोधी बल्लेबाजों को समझ में ही नहीं आती। विरोधियों को तो अब डर लगने लगा है कि कहीं लामी छाने किसी काले जादू का प्रयोग तो नहीं करता। कतर के साथ आखिरी लीग मैच के मुकाबले में नेपाल की टीम बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन वहां पर भी संदीप लामी छाने ही छाया रहा। हर फनमौला प्रदर्शन करते हुए संदीप लामी छाने ने 58 गेंदों में 42 रन बनाकर किसी तरह नेपाल की लाज बचाई और 157 रन में 50 ओवर पूरे किए बगैर ही पवेलियन वापस लौट गई। तब लगा कि शायद कतर इस मैच में बाजी मार ले जाएगा, लेकिन कतर के खिलाड़ियों का गुमान कुछ पलों में ही ढेर हो गया, क्योंकि जैसे ही फिरकी का यह जादूगर संदीप लामी छाने गेंदबाजी के लिए मैदान में उतरा, पूरा पासा ही पलट गया। संदीप लामी छाने ने महज 9 ओवर और एक गेंद में 3 मेडन फेंक कर 14 रन देकर कतर के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। एक के बाद एक खिलाड़ी शिकार होता चला गया। संदीप लामी छाने ने कतर के खिलाड़ियों को इस तरह तितर बितर किया कि खिलाड़ी सिर्फ हक्का बक्का रहकर संदीप को उसकी गेंदों को फेंकते हुए देखते रह गए। कतर के एक खिलाड़ी ने कहा कि वो ब्लैक मैजिशियन है, उसे काला जादू आता है, वो अपने जादू से बल्लेबाजों को गुमराह कर देता है। अब संदीप के पास कोई काला जादू है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन संदीप लामी छाने का जादू जरूर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, बल्कि विरोधी टीमों के दिलों में भी खौफ बनकर बोल रहा है। संदीप लामी छाने की गेंदबाजी से विरोधी अब खौफ खाने लगे हैं। यही वजह है कि बिना खेले ही टीमों ने मान लिया है कि नेपाल एसीसी प्रीमियर कप का सरताज है। यूं तो नेपाल को अब सिर्फ 2 मैच एसीसी प्रीमियर कप जीतने के लिए चाहिए, लेकिन अगर नेपाल का दिन खराब नहीं हुआ तो नेपाल को हराने का मादा फिलहाल किसी भी विपक्षी टीम में नजर नहीं आता, क्योंकि नेपाल और दूसरी टीमों के बीच फर्क है, नेपाल के पास संदीप लामी छाने हैं और विरोधियों के पास संदीप नहीं है, यानी संदीप लामी छाने नेपाल क्रिकेट टीम का गुडलक बन चुका है। इसीलिए नेपाल में संदीप लामी छाने को कोहिनूर कहा जाता है। आस्तित न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।